जब किसी राष्ट्र पर संकट की घड़ी आती है तब प्रजा और राजा सब एकजुट होकर समस्या का समाधान खोजते हैं। पर हमारे देश का ये दुर्भाग्य देखो, विपक्ष से लेकर आम जनता भी सरकार पर गालियां बरसाने से चुकती नहीं है। लोग बेवजह सुनी सुनाई बातों पर सरकार को बुरा भला कह रहे हैं। असल में लोग केवल आरोप लगाना जानते हैं, वास्तविकता ढूंढना उनके बस की बात ही नहीं। इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं जितना मुंह उतनी बात हो रही है। यह कहना कितना आसान है कि कोरोना की स्थिति के लिए जिम्मेदार सरकार है। अपनी जिम्मेदारी कितनों को याद है? सब सरकार ही करती है तो आप क्या करते हैं? बैठे बैठे मैग्नीफाई ग्लास लेकर विपक्ष और देशद्रोहियों की तरह गलती खोजते रहते हैं। इतना जान लीजिए, किसी भी देश की अच्छी व बुरी हालत लोगों के कारण होती है, सरकार के कारण नहीं। लोग कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। आजकल कई लोग इजराइल, यूरोप, चाइना का उदाहरण देते फिरते हैं, पर ये वो सब भूल जाते हैं। की आवश्यकता एकदम बढ़ रही है, तो जो ऑक्सीमीटर आपको सरकार 700 से 800 रुपए में मुहैया कराती है, उसे ये ईमानदार कहे जाने वाले लोग 3000 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं, और हम उसे आराम से बिना कोई सवाल किए खरीद लेते हैं। हम उन्हें ये भी नहीं पूछते कि अरे भाई, सरकार तो इसे 700 रुपए में बेचती है, पर किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम तो ईमानदार है ना, और चोर तो ये सरकार है। यह कहकर हम अपना दामन छुड़ा लेते। इतना ही नहीं, उन्हें जैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ रही है और ऑक्सीजन कम पड़ रही है, तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। आज ऑक्सीजन 10 से 15 हजार रुपए में हमारे देश में बिक रहा है। यही चरित्र है हमारे देश का। हमारे ही अपने लोग हमारा जीवन बचाने के लिए हमारी जेब पर डाका डालते हैं। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अब जरा सोचिए, जो दवा सरकार 200 रुपए में दे रही है, वो आजकल हम 1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। इस पर भी कुछ लोग इसकी कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। हम में से कई ईमानदार लोग ये सब कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही, और हम इस बात पर चुप्पी लगाए रहते हैं। आप सभी देख रहे होंगे और जानते भी होंगे, कई जगह पर एम्बुलेंस वाले आजकल मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए कितना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, जबकि उनका जमीर ये करने से उन्हें रोकता भी होगा, पर क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा मर चुकी होती है, फिर भी ये लोग ईमानदार कहलाते हैं और सरकार चोर कहलाती है। वाह रे दुनिया, जैसे ही उन ईमानदारों को ये पता चलता है कि विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा खाने की जरूरत पड़ेगी, तुरंत फल भी अचानक महंगे हो जाते हैं। नारियल पानी पीने के लिए अगर डॉक्टर कहते हैं तो रातों रात नारियल पानी भी महंगा हो जाता है। कोरोना क्या आया,
कुछ लोगों ने लाचार मजबूर लोगों को लूटने के लिए अपनी दुकानें खोल ली। सुना है कि शमशान में लाशों को जलाने के लिए लकड़ी को भी मुंह मांगे दामों में बेच रहे हैं। इससे भी शर्मनाक बात तो ये है कि मरने वालों की दवाइयों का भी सौदा करने वाले ये करने से चूकते नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र है, सरकार को जितनी चाहे गाली गलौज कर दो, पर आप जितनी नेगेटिविटी फैलाएंगे उतना माहौल बिगड़ेगा और सरकार को और आप लोगों को इस चुनौती से लड़ते हुए जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना के इस दलदल से निकलने के लिए जितना संयम रखा जाएगा, इससे बाहर निकलने का मार्ग आसान हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि राष्ट्र के सामने इस संकट का सामना हमें सबको धैर्य से करना है। चाइना के लोग सरकार के साथ रहे, यूरोप के लोग, इसके अलावा और भी कई देश जिन्होंने कोरोना से निजात पाया है, उसमें सरकार के साथ प्रजा का पूरा सहकार रहा है। ये मत सोचिए कि वहाँ सिर्फ भले लोग ही रहते हैं, वहाँ भी बेईमान और भ्रष्टाचार है, पर उनकी राष्ट्रभावना की जिंदा दिली बनी रहती है। जिस देश में सिर्फ मतलब रह जाता है और आत्मा मर जाती है, राष्ट्रभावना का अकाल पड़ जाता है, फिर देश गुलाम बन जाता है। अब आपको सोचना है देश को कहाँ ले जाना है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। जय हिंद।